एवरीवन, मैं मालती हूँ और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं तिल की और गुड़ की रेवड़ी बनाने जा रही हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। ये मैंने 200 ग्राम तिल लिया है, सफ़ेद तिल। इसको हम थोड़ा सा हल्का हल्का भूनेंगे अभी। और 250 ग्राम गुड़ लिया है मैंने, तो चलिए अब हम बनाते हैं। अब हम पैन गरम करेंगे, तिल को थोड़ा सा 5 मिनट के लिए सेकेंगे। थोड़ा हल्का सेकना है हमको, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो ये ना कड़वी लगने लगती है। थोड़ी हल्की हल्की सेकना है हमको, लो फ्लेम पे थोड़ा सा सेकेंगे इसको, ताकि ये थोड़ी फूल जाए, चटचटाने लगे तो उतार लें। ये हम गैस पे पैन रखेंगे। अब इसमें मैं गुड़ डालूंगी। ये 250 ग्राम गुड़ डाला हमने। और इसमें 2 चम्मच शक्कर डालूंगी, 2 टेबल स्पून में शक्कर डालूंगी। शक्कर से थोड़ी सी क्रिस्पी बनती है और चमक अच्छी आती है इसमें। और ये 2 चम्मच पानी डालूंगी। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। पूरा टाइम लगाते इसको चलाना पड़ता है, नहीं तो ये लग जाती है नीचे। अभी देखते हैं हम, हमारी चाशनी आई कि नहीं आई, हम थोड़ा सा लगा के देखेंगे। हाँ, अभी एक तार आने लगा है, ये देखिए ये तार आ रहा है, ये देखिए तार आने लगा, समझो हमारी चाशनी तैयार है। ये देखिए तार बंधने लगा है। हम इसको एक बूंद पानी में डाल के देखेंगे, पानी में एक बूंद हम डाल के देखेंगे। हम देखेंगे कि बन रहा है कि नहीं। ये अब हमारा गोल बनने लगा है, ये देखिए, ये थोड़ा कड़क हो गया है, ये देखिए गोली बनने लगी, तो समझो हमारी चाशनी आ गई है। अब हम एक पिंच सोडा डालेंगे इसमें, एक पिंच सोडा डालेंगे ताकि हमारा गुड़ अच्छे से साफ हो जाए। सोडा इसलिए डालते हैं कि हमारा गुड़ साफ हो जाए, सफ़ेद हो जाता है, एकदम फूल जाता है और इससे सॉफ्ट बनती है सोडा डालने से। रेवड़ी, तिल्ली की पट्टी जो भी हम बनाते हैं वो सॉफ्ट बनती है बिल्कुल। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी तिल्ली, इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर। आधा चम्मच घी डालेंगे, इससे रेवड़ी में अच्छी चमक भी आएगी और अच्छी बनेगी, चमकदार और सॉफ्ट भी रहती है घी से थोड़ी। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी कढ़ाई छूटने लगी है, अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हमने गैस बंद कर दिया है, थाली में डालेंगे, हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ऐसा पलट लेंगे ताकि ये चिपके ना। फिर हम इसकी रेवड़ी बनाएंगे, बैठते रहेंगे इसको अपन। ये बहुत जल्दी सूख जाती है, जैसे ही ठंडा हुआ कि ये सूखने लगती, फिर इसकी रेवड़ी नहीं बनेगी, लड्डू भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए हमको इसको फेंट के
और गरम गरम ही बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये अच्छे से फिट गया है। अब हम देखते हैं हाथ में पानी लगा के बनने लगी क्या। अभी गरम बहुत है। ये देखिए ये ऐसे करके हम गोल गोल और ऐसे बना लेंगे। ये देखिए हमारी रेवड़ी बन गई है। ये हमारी रेवड़ी बन के तैयार है। अभी सूखने के बाद कड़क हो जाएगी। हमको जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा।